नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ 50 के दम की श्रृंखला में अर्थव्यवस्था का पहला सीरीज लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अन्य विषयों के 50 के दम की श्रृंखला प्राप्त कर ली होगी बीओ के बैच के लिए। आइए आज हम अपने श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। कौन सी? 50 के दम की अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या पहला प्रश्न क्या है दोस्तों इस प्रश्न श्रृंखला की? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। कौन कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और अंतिम है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हम इनको अलग अलग अगर बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अगर इसको हम समझें तो समाजवादी की जहां तक बात करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर मूल रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण, यानी वस्तुओं और सेवाओं की क्या कीमत होनी चाहिए, क्या कैसे निर्धारित होना चाहिए, इन सारी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो इसको हम कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है दोस्तों, सरकार का नियंत्रण होता है। इसी जगह हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर सरकार का नियंत्रण न के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसा कि नाम से क्लियर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहां पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व होता है, यहां पर बाजार की शक्तियों पर सारी चीज निर्भर होती है। बाजार की शक्तियां मांग एवं पूर्ति को कहते हैं दोस्तों, बाजार की शक्तियां मांग एवं पूर्ति को कहते हैं, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण नियंत्रण नगण्य होता है, नियंत्रण नियंत्रण नगण्य होता है, यानी न के बराबर, न के बराबर। क्लियर है? आइए दोस्तों अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का सम्मिश्रण है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, इसी वजह से इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट, इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है, तो आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, भारत आजाद हुआ 1947 में, भारत आजाद हुआ 1947 में, और भारत के साथ साथ एक देश भारत से अलग हो जाता है और भारत के पास कहीं ना कहीं संपत्ति की कमी होती है। जब छोटा सा देश पाकिस्तान हमसे अलग होता है तो वह भी कुछ धन लेकर अलग होता है हमारे देश से। तो दोस्तों भारत में पैसे की कमी होती है और पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था के उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश अमेरिका और रशिया, अमेरिका और रशिया दो अलग अलग बहुत शक्तिशाली देश एक अलग अलग अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हुए, एक अमेरिका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को और रशिया समाजवाद अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करने वाले दो अलग अलग देश थे। अमेरिका कह रहा था कि आप पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाओ, हम आपके साथ हैं, यानी यही चीज
रूस भी कह रहा था भारत से कि आप स्वतंत्र देश हैं, आप अपने विचार से समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन भारत की स्थिति दोनों की नहीं थी, क्योंकि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीपतियों की आवश्यकता होती है, जो कि उस समय भारत की स्थिति के में, जो भारत की तत्कालीन स्थिति थी उस समय वास्तव वह स्थिति नहीं थी कि भारत पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को लेकर चल पाता। और समाजवाद अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं लेकर चल सकता था क्योंकि भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि वह हर वस्तु हर सेवा के लिए खुद से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कर सके। इस वजह से भारत ने बीच का रास्ता अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया दोस्तों। यानी इसका मतलब है कि भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया और वह बीच का रास्ता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए दोस्तों, इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा नंबर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद बराबर होंगे यानी जीडीपी। यह कह रहा है किस स्थिति में जीएनपी बराबर जीडीपी होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। पहले हम जानते हैं दोस्तों जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। जीडीपी की बात करें, अगर जीडीपी की बात करें तो इसका साधारण सा परिभाषा यह है दोस्तों कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद उसकी जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होती है, जो फाइनल गुड होता है, यानी इसको अगर हम ऐसे कह दें दोस्तों, जीडीपी की परिभाषा की बात करें तो किसी देश की सीमा के अंतर्गत वस्तु और सेवा, वस्तु प्लस सेवा का उत्पादन, यहां पर विदेशी कंपनी भी हो सकती है और भारतीय कंपनी भी हो सकती है, यानी अगर भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कंपनी हो जो भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करती है और उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वह जीडीपी कहलाता है। कैसे? अगर हम कहें भौगोलिक सीमा की बात दोस्तों, तो भौगोलिक सीमा यह भी होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, भौगोलिक सीमा की बात है तो थोड़ा सा यहां पे हम देख लीजिए, जैसे भौगोलिक सीमा जो होता है थल का वो तो होता ही है, उसके साथ साथ एक और सीमा होती है हमारी जल सीमा। यहां पर भी हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इसका लिमिटेशन है दोस्तों, यहां पर हम 12 नॉटिकल मील, यह नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने के लिए होता है दोस्तों, समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न क्या है, जीडीपी किसे कहते हैं? तो जीडीपी भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, अब यह जो 12 नॉटिकल मील है इसके क्षेत्र में भी, यानी हमारी जो भौगोलिक सीमा है इस क्षेत्र के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। दोस्तों अगर भौगोलिक सीमा की बात करें तो 12 नॉटिकल मील तक हम किसी कल कारखानों को स्थापित कर सकते हैं वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए, लेकिन अगर भारत की भौगोलिक सीमा नॉटिकल मील में नापी जाए तो 200 नॉटिकल मील तक भारत की भौगोलिक सीमा होती है। वह आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे दोस्तों अच्छे से। आइए देखते हैं प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जीएनपी बराबर जीडीपी कब होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी कब होता है। हमने जीडीपी देखा कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, और जीएनपी की बात करें तो यह क्या होता है कि जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यह क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू सीमा के अंतर्गत।
जीडीपी घरेलू सीमा के अंतर्गत, और यहां पर क्या है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। यहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब भारत के व्यक्तियों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा भारत में और भारत से गए कहीं भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वह जीएनपी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, यानी जीएनपी के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। जीडीपी में क्या होता था, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कंपनी हो, या वो भारत का हो या विदेश का हो, तो वह उसका जो किसी वस्तु और सेवा का जो उत्पादन का अंतिम मॉनेटरी वैल्यू होता था, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब दोस्तों पैसे में किसी वस्तु का मूल्य, यानी रुपए में किसी वस्तु का मूल्य जो है वही मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है। यहां पर अंतिम क्या होता था जीडीपी में, भारत के लोग या भारत विदेशी लोग भारत की सीमा के अंतर्गत, और जीएनपी के अंतर्गत क्या होता है कि भारत के लोगों के द्वारा भारत में या भारत से कहीं और जाकर, जैसे अगर हम एक उदाहरण दें आपको, जैसे इरफान खान एक मूवी बनाए थे लाइफ ऑफ पाई, आपने नाम सुना होगा, वह अमेरिका में उसके लिए 1 करोड़ रुपए प्राप्त करते हैं, मान लीजिए वह 1 रुपए अमेरिका में प्राप्त करते हैं। अगर इसको कहा जाए कि यह अमेरिका के जीडीपी में काउंट होगा, हाँ अमेरिका के जीडीपी में काउंट होगा लेकिन जीएनपी में नहीं, जीएनपी में भारत के काउंट होगा क्योंकि वह भारत का, भारत के नागरिक है। कौन? इरफान खान भारत के नागरिक है तो वह जीएनपी के अंतर्गत काउंट होगा। बेसिक सा अंतर दोस्तों यह है कि जीडीपी और जीएनपी का अंतर विशेष यह है कि जीएनपी मतलब भारत के लोगों के द्वारा, जीडीपी मतलब भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। अब अगर कहा जाए कि अगर हम इसको किसी एक शब्द से डेनोट करें, किसी चीज को हम कह दें कि हम, हमारे लोगों के द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए उसको हम एक्स से डेनोट करें, यानी एक्स से रिप्रेजेंट करें, एक्स से रिप्रेजेंट करें, एक्स से रिप्रेजेंट करें, और विदेशियों द्वारा जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करें, एम से रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर कह दें हम x बराबर m, x बराबर m, x क्या है हमारे लोगों के द्वारा, m क्या है विदेशियों के द्वारा, विदेशी व्यक्तियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों के द्वारा। हमारे लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है और विदेशियों के द्वारा, यह अंतर है बेसिक। इसको कैसे, किसको डेनोट करते हैं इसको हम समझे दोस्तों। तो यहां पर प्रश्न समझिए फिर से, अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों? अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। यहां पर ऑप्शन में है बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पूरी तरह से ब्लॉक हो, बंद हो दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पूरी तरह से बंद हो, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। तब बताइए हम क्या कह रहे थे कि x बराबर हमारे लोगों के द्वारा, m बराबर विदेशियों के द्वारा। अब जब आयात निर्यात नहीं होगा, हमारे यहां के लोग आपके यहां नहीं जाएंगे, हम आपके यहां से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, तो बताइए क्या हमारे यहां की जीडीपी और आपके यहां के जीडीपी में कोई अंतर आएगा? यानी अगर कह दें कि हम कह दें कि हमारे यहां का जो उत्पादन है और आपके यहां का जो उत्पादन है, आप अपने पास रखे हैं, हम अपने पास रखे हैं, तो हमारी आपकी स्थिति क्या हुई, x बराबर m की होगी, यानी हमसे कोई मतलब नहीं आपसे, तो जीडीपी बराबर जीएनपी के, यही इसका आंसर होगा दोस्तों कि बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था इसका आंसर होगा दोस्तों। किसका? प्रश्न दो का। बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति में जीएनपी बराबर जीडीपी होता है, क्लियर है? इसको हम लोगों ने बैच में पढ़ा है, बीओ के बैच में हम लोग बहुत कायदे से इस चीज को डिस्कस करें हैं दोस्तों।
खुली अर्थव्यवस्था का है, जहां पर वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं का हमेशा आयात निर्यात होता रहता है, हर चीज के लिए आयात निर्यात हमेशा खुला रहता है, वही खुली अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था क्या, इसको वर्ल्ड बैंक डेनोट करती है, इसको तय करती है कौन विकसित है कौन नहीं। और विकासोन्मुख यानी विकासशील अर्थव्यवस्था, यह भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा तय किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट राजकोषीय नीति के अंग है, राजकोषीय नीति के अंग है। पहले तो ये जानिए कि राजकोषीय नीति क्या है। राजकोषीय नीति दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा यानी सरकार के द्वारा तय किया जाता है और सरकार इन चीजों का निगमन करती है, इसको इसको तय करती है, यानी यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तय किया जाता है राजकोषीय नीति। दो नीतियां होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है राजकोषीय नीति। मुद्रास्फीति में हम लोगों ने बीओ के बैच में हम लोग पढ़े हैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से। राजकोषीय नीति के अंतर्गत मूल रूप से तीन चीजें, सार्वजनिक व्यय सरकार तय करती है, सार्वजनिक ऋण सरकार तय करती है, और ये जो टैक्स की बात होती है टैक्स सरकार ही लगाती है। यानी अगर इसकी बात करें कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये तीनों के तीनों आएंगे। सरकार किन चीजों पर, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना है, किन चीजों पे ज्यादा पैसा देना है, किस चीज के लिए सरकार ऋण ज्यादा देगी, इन सारी चीजों को राजकोषीय नीति के अंतर्गत तय किया जाता है और यह वित्त मंत्रालय सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गलत कथन पर विचार करें, गलत कथन पर विचार करें। अब देखिए हमने एक चीज यहां पर देखा कि एक्स बराबर यम हो तो जीडीपी बराबर जीएनपी, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस करा कि जीडीपी बराबर जीएनपी की स्थिति कब होगी, जब हमारे द्वारा और विदेशियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो क्या है मॉनेटरी वैल्यू बराबर हो जाए, या तो हम जितना उत्पादन कर रहे हैं बराबर हो जाए किसके, विदेशियों को, विदेशियों के बराबर बराबर हो जाए, और या तो ये स्थिति हो जाए कि बंद अर्थव्यवस्था हो जाए, तब एक्स बराबर एम होगा। क्लियर है, तो यह स्थिति सही है दोस्तों, इसको हमने पीछे डिस्कस करा। दूसरा क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास शामिल होता है, नहीं दोस्तों। अगर हमने राष्ट्रीय आय में पढ़ा था, राष्ट्रीय आय में पढ़ा था एनएनपी को कैसे निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यही होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। इसी चीज को हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आय जब पढ़ रहे थे, क्लियर है, बीओ के बैच में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मूल्यह्रास किसमें, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता, इसमें लिखा गया है शामिल होता है, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। ऑप्शन अगला क्या है दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन क्या है कि गलत कथन क्या है, तो गलत कथन यही है दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। अब अगला देखिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इसको समझते हैं दोस्तों, इसको क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को समझते हैं। देखिए अगर हम कहें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस क्या माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इसको देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम समझते हैं क्या है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय इसी को कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय इसी को कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कहा जाता है। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला कैसे जाता है, जब बाजार मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। अब बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसको समझते हैं दोस्तों, बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहां पर हम फैक्टर कॉस्ट को समझते हैं क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है मूल रूप से,
हम फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं साधन लागत, साधन लागत, साधन लागत कहते हैं दोस्तों। अब साधन लागत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में बेसिक्स क्या होती हैं, यानी शुरुआती चीजें क्या होती हैं, हम कह दें किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में शुरुआती कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो चार मूल साधन होते हैं किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में। कौन कौन से देखते हैं, मान लीजिए अगर हम कह दें कि कोई मोबाइल बनाना है या फिर यही इलेक्ट्रॉनिक पेन बनानी है, शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम भूमि कहीं जहां बनाएंगे, जहां प्लांट लगाएंगे वहां पे क्या करेंगे, भूमि की व्यवस्था करेंगे जहां इसको कार्य करना है। दूसरा क्या करेंगे, इस कार्य के लिए कुछ ना कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, यानी हम क्या कह दें, पूंजी, यानी इस इलेक्ट्रॉनिक पेन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल या अन्य चीजों को खरीदने के लिए। तीसरा क्या, तीसरा हम कह दें भूमि, पूंजी, और तीसरा मूल रूप से क्या, अगर हम कह दें कि इस कार्य को करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, यानी श्रमिक होने चाहिए, श्रम होना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण क्या, इन सारी चीजों को करने के लिए कोई एक साहसी होना चाहिए, कोई एक उद्यमी होना चाहिए, कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए किसी का, कि यह कार्य कर सके, यानी रिस्क लेने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में। तो चौथा क्या हो जाएगा, साहसी, साहसी, साहसी हो जाएगा दोस्तों। मूल रूप से अगर साहसी की बात करें, अब देखिए किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में चार प्रमुख चीज होती हैं, क्या क्या, भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी, इनका अलग अलग अपना मूल्य होता है, इनपे खर्च होता है दोस्तों, इन पे अलग अलग खर्च होता है। अगर हम भूमि ले लिए और पूंजी ले लिए, श्रम ले लिए, साहसी ले लिए, तो इन पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक पेन को तैयार करेंगे। मान लीजिए हम कह दें कि भूमि पर खर्च आया ₹5, भूमि पर खर्च आया ₹5, पूंजी पर खर्च आया ₹5, श्रम ₹5 और साहसी को लाभ मिला ₹5। यानी हम कह दें श्रमिक को ₹5 दिया हमने, पूंजी जो परसेंटेज ब्याज है उसको मैंने ₹5 दिया, ₹5 वो लाभ कमाया, और ये जो भूमि है, जिसकी भूमि है उसको लगान के रूप में ₹5 मिला। तो ये बेसिक्स हैं, और कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिलाकर यहां पर अगर हम कह दें तो ₹20 हो गया, कुल मिला के ₹20 हो गया। यह फैक्टर कॉस्ट है दोस्तों, यानी जब वस्तु और सेवा निर्माण होकर तैयार हो जाती है, मार्केट में बिकने को नहीं, जब तक वह तैयार हो रहा है, यानी वह जब तैयार हो गया फाइनल गुड में, तब उसका रेट ₹20। यानी अगर हम कह दें कि साधन लागत ₹20, साधन लागत ₹20, अब साधन लागत ₹20 हो गया किसी वस्तु की या इस इलेक्ट्रॉनिक पेन की, अब यह जब मार्केट में बिकने को तैयार होता है दोस्तों, यह जब मार्केट में बिकने को तैयार होता है, जब मार्केट में बिकने को तैयार होता है, तो इस पे एक टैक्स लगा देती है कौन, सरकार, सरकार लगा देती है एक टैक्स। अब जब सरकार टैक्स लगा देगी, जब टैक्स किसी वस्तु या सेवा में लग जाए, यानी जब वह मार्केट में बिकने को तैयार हो जाए पूरी तरह से, तो वही मार्केट प्राइस है। यहां पे जब टैक्स ऐड हो गया, प्लस टैक्स ऐड हो गया किसमें, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड हो गया। अब टैक्स ऐड हो गया तो अब इसको हम कह सकते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी अब यह मार्केट में बिकने को तैयार है, तो हम इसको मार्केट प्राइस कह सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह मार्केट में बिकने को तैयार है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब टैक्स देख लिया हम लोगों ने, लग गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी सरकार किन्हीं चीजों पर, किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार खुद से सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी जैसे गैस का सब्सिडी हो गया, हम अगर देखें बहुत सारी चीजों में सब्सिडी होता है, जैसे सोलर प्लांट हो गया, अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसपे सरकार कुछ ना कुछ अनुदान के रूप में छूट दे देता है,
यानी अगर हम कह दें कि यहां पर टैक्स पांच रुपया लगा, यहां पर टैक्स पांच रुपया लगा, तो ये 25 रुपया, और इसी में हम कह दें कि 3 रुपया सब्सिडी घटा दिया गया, यानी सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में छूट दे दिया गया। सब्सिडी भी सरकार के माध्यम से होती है, टैक्स भी सरकार के माध्यम से। तो अब यह अंतिम रूप से जब बिकने को तैयार है, अंतिम रूप से यह जब बिकने को तैयार है, तो इसका मूल्य कितना होगा दोस्तों? इसका मूल्य अब यह 23 रुपया हो जाएगा, सॉरी 22 रुपया हो जाएगा। इसी को कहेंगे मार्केट प्राइस। इसको एक बार फिर से हम लोग फिर से देखते हैं। अब देखिए, इसको देखिए, फिर से देखिए। हमने कहा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट के लिए चार प्रमुख चीजें, पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा पूंजी, और चौथा तीसरा श्रम, और चौथा कोई साहसी जो इस कार्य को कर रहा है, साहसी। और हमने कहा कि सब पे 5-5 रुपए खर्च आ रहा है, 5-5 रुपए सब पे लग रहा है, सब पे 5-5 रुपए, और यह जब तैयार हो रहा है तो यह 20 रुपए का बन रहा है। क्या? ये जो इलेक्ट्रॉनिक पिन है, अब इसको हम कह सकते हैं कि यह फैक्टर कॉस्ट है, यानी साधन लागत है किसी वस्तु या सेवा का। यह साधन लागत है, शुरुआती लागत है, बेसिक लागत है, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो हमने फैक्टर कॉस्ट प्राप्त कर लिया, लेकिन जब हम मार्केट में इसको बेचने चलते हैं तो प्लस क्या हो जाता है? 5 रुपया सरकार ने टैक्स लगा दिया। इस पे जब टैक्स लगा दिया तो यह क्या हो गया? 25 रुपया। लेकिन सरकार कहती है कि चलो हम इस पे कुछ छूट भी देते हैं। यानी आप देखे होंगे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जैसे गेहूं और चावल में आप देखते होंगे सब्सिडी के रूप में लोगों, गरीब आदमियों को सरकार यह सोचती है कि हर व्यक्ति भोजन ठीक से प्राप्त कर सके, तो गरीब आदमियों को क्या करती है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के हिसाब से, 5 रुपया किलो के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तय करती है, कहां पर? कोटे पर। तो ये इसी प्रकार का सब्सिडी होता है। सब्सिडी में क्या करता है सब्सिडी? सरकार मान लीजिए इस पे 3 रुपया सब्सिडी दे दिया इसी वस्तु पर। अब यह 20 से 25 हुआ था जब यहां पे हम प्लस किए थे टैक्स, माइनस कर दिए 3 रुपया, तो यह क्या हो जाएगा? 22 रुपया। यहां पर यह 22 रुपया। अब यह मार्केट में पूरी तरह से बिकने को तैयार है, यह पेन पूरी तरह से मार्केट में बिकने को तैयार है। अब इसी को हम कह देंगे मार्केट प्राइस बराबर 22 रुपया। तो अब आप आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसको हमने डिस्कस करा। इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। जब फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय बात की जाती है तो वह शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस कर देंगे, जैसे प्रक्रिया बनी थी कि मार्केट प्राइस लगा। मार्केट प्राइस किसे कहते हैं? कि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है, तो फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए यहां पर टैक्स घटा दिए। और सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी घटाया जाता है, यानी सब्सिडी जो सरकार छूट देती है यहां पर जोड़ दिए, तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो गया। यानी यह भी सही है। और इसको हमने चौथे ऑप्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, इसको प्राप्त करने के लिए इसी को बताते हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वित्तीय समावेशन यानी विकास की बात की जा रही है, कि वित्तीय विकास कैसे होता है दोस्तों, उसमें कौन बाधक है। अगर कहा जाए कि वित्तीय विकास के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए कौन बाधक है, तो आप बताइए, अगर आपके पास पैसा कम होगा यानी निम्न आय होगा, तो वह समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए कमजोरी है कि नहीं है? है दोस्तों। निरक्षरता, अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, और आप उस चीज को ठीक से जानते नहीं, साक्षरता नहीं है आपको उस चीज को लेकर, तो क्या यह भी हमारी वित्तीय समावेशन में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाधक नहीं है? यह भी होगा।
और बैंक शाखाओं का अभाव। अगर हम कह दें कि बैंक में शाखाओं का अभाव अगर एरिया में हो, जगहों पर हो, तो लोग अपने पैसे को, अगर किसी के पास पैसा है और वह बैंक में पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, बैंक उनके नजदीक में ना हो, शाखाएं कम हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को भी कह सकते हैं कि यह हमारे वित्तीय समावेशन में बाधक है। यानी इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए यहां पे क्या क्या है ऑप्शन में, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है? देखिए, शाख नियंत्रण की बात करें तो यह आरबीआई का कार्य है। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शिखर संस्था के रूप में अगर कार्य करने की बात करें, यानी बैंकों का बैंक वाली बात यहां पे कह रहा है, ये बैंकों का बैंक क्या है? आरबीआई। इसको आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का बॉस कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार के द्वारा यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? शाख सृजन क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। शाख सृजन। देखिए, अगर हमको इसको अपने ऊपर से लेकर समझना है, बेसिक से समझे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपको 1,00,000 रुपए दे दिया और वह व्यक्ति प्रायः जब महीने में आता है या फिर किसी भी टाइम आता है तो वह उस 1,00,000 में से 10% ले लेता है, यानी 10,000 रुपए वह हमेशा ले लेता है आपसे। कहने का मतलब कि उस 1,00,000 में से वह जब आता है तो 10,000 रुपए लेके जाता है। तो आप ये बताइए, आपका माइंडसेट नहीं हो जाएगा, दिमाग में ये चीज नहीं हो जाएगा, यह व्यक्ति जब आएगा, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति आएगा और हमसे 10,000 रुपए अपने पैसे में से लेके जाएगा। तो अब इसी चीज को हम अगर कह दें साख सृजन में, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई बैंक है इसमें कोई ए नाम का व्यक्ति 1,00,000 रुपए जमा करता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपए जमा करता है दोस्तों, 1,00,000 जमा करता है और यह जब बैंक जाता है तो 10,000 रुपए निकाल लेता है, यानी 10% निकाल आता है अपने बैंक से। तो यह एक बार गया 10,000 लेके आया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जाएगा तो 10,000 लेके आएगा। तो बैंक के दिमाग में अपने से वह अनुभव कर लेता है कि यह व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति जब आता है तो 10,000 रुपए लेके जाता है। फिर बैंक इस 10,000 में क्या करता है कि यह 90,000 जो है, इस 90,000 को क्या करता है, ये अन्य बी व्यक्ति को इसमें से कर्ज दे देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शाख सृजन की बात कीजिए। और शाख सृजन का कार्य बैंक करता है। शाख सृजन का अर्थ यह होता है कि किसी चीज के लिए क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता किसी चीज का किसके माध्यम से तय किया जाता है? बैंक के माध्यम से इस चीज को बताया जाता है क्या कि शाख सृजन कौन करता है? यह बैंक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यह तीनों कार्य है इसी का, बैंक का, आरबीआई का। लेकिन शाख सृजन का कार्य बैंकों का होता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ है, इसको समझते हैं दोस्तों। पहला का ऑप्शन क्या है? संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। दूसरा है आरबीआई के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तीसरा है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने में
देने हेतु कम मुद्रा होगी, उधार देने हेतु कम मुद्रा होगी, और डी क्या है उपयुक्त सभी। अब इसको समझते हैं दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो है क्या एक्चुअली, आइए देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या है। हम बताएं आपको दोस्तों, आरबीआई है यह भारत का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है भारत का, केंद्रीय बैंक कौन, आरबीआई। आरबीआई चीजों जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर कर्ज देता है और बैंक दर पर कर्ज देता है। तीन चार चीजें हैं इसमें, टर्म्स हैं, उसको समझ लेते हैं पहले। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। रेपो रेट वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं, और बैंक दर क्या होता है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। बैंक दर क्या होता है इसको देखिए, इसी जगह बैंक दर भी सेम रिवर्स रेपो रेट की तरह होता है, बैंक रेट रेपो रेट की ही तरह होता है, लेकिन यह जो होता है रेपो रेट यह अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन होता है, और यह दीर्घकालीन होता है, यह दीर्घकालीन। दोस्तों यह तो था आरबीआई का हमारा फंक्शन कर्ज देने और लेने का। आरबीआई इन वाणिज्यिक बैंकों को, जिन वाणिज्यिक बैंकों को वह कर्ज देता है, वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह देता है कि आप अपने पास, आपके पास जो मुद्रा है, जो आपके पास धन है, उसका कुछ हिस्सा मैं अपने पास कैश के रूप में रखूंगा। कैश के रूप में रखूंगा मतलब, जैसे अगर किसी बैंक का मान लीजिए 500 करोड़ की क्षमता है, 500 करोड़ की क्षमता है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो में वर्तमान रेट 4% के हिसाब से बैंक क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, उस 500 करोड़ में से 4% अपने पास निकाल के कैश में रख लेती है। क्लियर है, यही चीज होता है यहां पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ होता है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए 500 करोड़ किसी बैंक का टोटल वैल्यू है, टोटल उसका 500 करोड़ का धन है, और उसमें क्या है दोस्तों, 500 करोड़ में से 4% वर्तमान दर है, 4% वर्तमान दर है, अगर इसको 4 से 6% कर दिया जाए, 4 से 6% कर दिया जाए, तो जब यह 4% था तब क्या था कि कुछ कम धन आरबीआई अपने पास रखता था, आरबीआई अपने पास कुछ कम धन रखता था, लेकिन जब 6% हो जाएगा तो इस 500 का 6% वह अपने पास रख लेगा, यानी इस 500 करोड़ का 6% जब आरबीआई अपने पास रख लेगा, तो यही बात यह कह रहा है कि आरबीआई अगर कैश रिजर्व रेशियो की वृद्धि करता है तो इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ क्या है कि जैसे 500 करोड़ से अगर 6% उसके पास पैसा चला जाएगा, तो ज्यादा मात्रा में जो बैंक का मुद्रा है, यानी बैंक का जो धन है, वह किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास। तो स्थिति क्या होगी कि व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम पैसा होगा, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा होगी, यानी कम पैसा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया गया, तो इस धन का कुछ हिस्सा और किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। यह स्थिति कब होती है दोस्तों, जैसे कि मुद्रा स्फीति की स्थिति हो, मुद्रा स्फीति की स्थिति में क्या होता है, मुद्रा मार्केट में ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से लोग आसानी से पैसे को कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं पैसे का, उसको अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। कब, जब मुद्रा स्फीति अधिक हो जाती, मुद्रा स्फीति की स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा मार्केट में अधिक हो जाता है, यानी धन बाजार में
अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, ये सीआरआर की स्थिति को बढ़ाता है। जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वह मार्केट में पैसा भेज नहीं पाएंगे, और जब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो जो मुद्रा की पूर्ति मार्केट में हो रही होती है वह कम हो जाती है, और उससे मुद्रा स्फीति कंट्रोल होती है सीआरआर बढ़ा देने पर। क्लियर है? सीआरआर का यहां का मतलब यह है कि आरबीआई संदेश दे, व्यापारिक बैंकों को यह बताती है कि आपका जो भी आपका एनडीटीएल है, यानी जो आपका मूल धन है, उसको हम उसमें से 6% 5% जब वह बढ़ाएगा तो वह उसमें से उसका मेन जो उसका बैलेंस है उसमें से वह निकाल लेगा, यानी कैश के रूप में अपने पास रख लेगा। क्लियर है? आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सातवां आठवां दोस्तों क्या है। बैंकों को अपने रोकड़ और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। अब इसको देखिए क्या है ये, अगर इसकी बात करें, एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है किसको? बैंकों को। आरबीआई यह सलाह देती है बैंकों को कि आप जो है कुछ अमाउंट आप अपने पास पहले से सेव करके रखेंगे, उतना अमाउंट आप हर स्थिति में अपने पास रखेंगे, उसको कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात, यानी एसएलआर। एसएलआर की बात करें या आरबीआई बताता है, आरबीआई क्या करता है, दो चीजें हैं। आरबीआई बैंक जो होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, इनको कहता है कि मैं आपका जो टोटल धन है उसमें से कुछ अपने पास रखूंगा कैश के रूप में, और कुछ आपको बता रहा हूं कि आप अपने धन में से अपने पास हमेशा सेव रखिए। क्यों सेव रखिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मुझे मेरा धन चाहिए, या फिर जो वह व्यक्ति धन जमा किया रहता है और वह बैंक से मांगने जाता है, ऐसी स्थिति में बैंक ये नहीं कह सकता कि मेरे पास धन नहीं है, यह कह देने पर यह स्थिति हो जाएगी कि बैंक दिवालिया हो गया। इसलिए आरबीआई यह मानक तय करती है कि कोई भी बैंक अपने पास कुछ परसेंट एसएलआर के रूप में रखेगी, यानी एसएलआर का मतलब यहां पर वर्तमान, अगर एसएलआर की दर देखें तो 18.75 की दर है, 18.75 की वर्तमान दर है दोस्तों। इसको बैंक को अपने धन का हमेशा इतना रखना पड़ेगा। जैसे हमने 500 करोड़ की बात की, तो 500 करोड़ में से अगर आरबीआई 4% लेके जा रही है तो बैंक को हमेशा अपने उस धन का 18.75% अपने पास रखना होगा, सेव करके इमरजेंसी की स्थिति में। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्या, कौन सा बैंक देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है? देखिए दोस्तों, अगर भारतीय बैंकों की बात करें तो पूर्ण रूप से पहला बैंक PNB को कहा जाता है। पूरी तरह से PNB को भारत का पहला बैंक कहा जाता है, जो पूरा धन भारत का हो, जिससे बना हो। क्लियर है? देखिए, अगर बैंक की बात करें तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि पूरी प्रक्रिया क्या थी इसकी, यूरोपियन थी, यानी ये जो स्थिति थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो पूरा क्रियान्वयन था वह पूरी तरह से यूरोपीय क्रियाओं पर आधारित था, यूरोपीय कार्य पर आधारित था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान या 1770 ईस्वी में पहली बार भारत में कोई बैंक बनता है। लेकिन अगर भारत के तर्ज पे कहा जाए कि भारत में कौन सा बैंक पूर्ण रूप से भारत का है, तो वह PNB है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में बैंकिंग संकट की अवधि क्या है। बैंकिंग संकट की अवधि दोस्तों यहां पर देखिए, भारत
पहली बार पहला विश्व युद्ध होता है, पहला विश्व युद्ध होता है उस समय पूरे वर्ल्ड में लगभग बड़े बैंक जो लगभग 588 बैंक थे वह दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया क्यों हो जाते हैं? युद्ध की स्थिति की वजह से पैसे को लेकर बहुत दिक्कत हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत के संबंध में यह चीज 1913 से 1917 के बीच में था, 1913 से 1917 के बीच में था। यही अगर विदेशों में बात की जाए तो यह 1917 से 1921 और 22 के बीच में कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। आइए देखें नेक्स्ट। किस समिति के संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई? किस समिति की संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई? यहां पर देखिए दोस्तों, हम इसको देखें, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई इसको समझते हैं। देखिए, पहली बार भारतीय स्टेट बैंक के बारे में विचार अगर आया तो मैं आपको बताऊं, भारत में तीन प्रेसिडेंसियां थी, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मिला करके एक नया नाम बनता है दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिलाकर बनता है इंपीरियल बैंक। और यह इंपीरियल बैंक ही बाद में जाकर 1955 में एसबीआई हो जाता है। जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, इस एसबीआई इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तब यह क्या हो जाता है? एसबीआई। और इसका सुझाव किसने दिया था? एचडी गोरावाला समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था एसबीआई के बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, किस समिति के संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई? तो एचडी गोरावाला समिति के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों। आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। हमने आपको बताया वो तीनों स्थिति, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किसके माध्यम से? इन तीनों के माध्यम से, तीनों प्रेसिडेंसियों की जो बैंक होती है उसको मिलाकर किया जाता है। और इसकी स्थापना 1921 में की जाती है। इन तीनों को मिलाकर बैंक बनाया जाता है दोस्तों 1921 में। क्लियर है? आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देश में पहली महिला बैंक की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 19 नवंबर 2013 में मुंबई में। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यह बैंक जब स्थापित हुआ 19 नवंबर को दोस्तों, तो इसका मूल इंटेंशन महिलाओं को लेकर था। इसका इंटेंशन किस पे था? महिलाओं को लेकर। जैसे इसमें बहुत सारे लोन थे जो सिर्फ महिलाओं को दिए जा सकते थे, जैसे किचन लोन हो गया, तमाम ऐसी चीजें हो गई जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दी जा सकती है। यह वास्तव में बहुत अच्छा कदम था यह बैंक महिलाओं के सशक्तिकरण के। लेकिन दोस्तों यह सन 2017 को यह एसबीआई में विलय हो जाता है। इसका विलय एसबीआई में हो जाता है। इसका कारण यह होता है दोस्तों, क्योंकि यह पूरी तरह से ठीक तरह से प्रचार नहीं किया जा सकने की वजह से यह बैंक कहीं ना कहीं फेल्योर हो गया इसका। क्लियर है? और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 19 नवंबर के दिन, आपको बताएं, भारतीय
आयरन लेडी कौन? इंदिरा गांधी के, इंदिरा इंदिरा गांधी का जन्मदिवस है दोस्तों, इस डेट पर इंदिरा गांधी का जन्मदिवस है। क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट, चौथा 14th नंबर दोस्तों, हिल्टन यंग आयोग का गठन क्यों किया गया? देखिए दोस्तों, आरबीआई की बात की जाए, अगर आरबीआई की बात की जाए तो इसमें इसको शुरुआती सुझाव अगर कहा जाए, इसकी शुरुआती सुझाव शिव रामन समिति के माध्यम से शुरुआती सुझाव कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए शुरुआती सुझाव इसने दिया, और वह तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश यह ना हो करके उसका पहले वह इंपीरियल बैंक बनता है और बाद में उसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में वह एसबीआई बन जाता है। लेकिन बाद में एक कमेटी आती है, एक आयोग आता है, हिल्टन यंग आयोग क्या कहता है कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए और इसके नाम की बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम इसी ने दिया। इसका उत्तर होगा दोस्तों केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए। हिल्टन यंग आयोग का संबंध केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए। अगर कहा जाए कि पहली बार किसने सुझाव दिया था तो शिव रामन समिति ने। क्लियर है? आइए देखते हैं, पहली बार की बात की जाएगी तो शिव रामन समिति। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, मदर ऑफ सेंट्रल बैंक यानी सभी केंद्रीय बैंकों का बैंक कौन है दोस्तों? सभी केंद्रीय बैंकों का बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड। सारे दुनिया के देशों के केंद्रीय बैंक, हर देश में केंद्रीय बैंक होता है दोस्तों, उस देश उन सारे देशों का मदर ऑफ बैंक किसको कहा जाता है? मदर ऑफ इंग्लैंड को, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। क्लियर है? आइए देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहां से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र में भारत लगातार विकासशील देश की और अग्रसर है, विकसित अर्थव्यवस्था बनने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो हमारी जीडीपी में अगर बात की जाएगी तो सर्वाधिक अगर किसी चीज का योगदान है तो वह तृतीयक क्षेत्र होता है। क्लियर है? इसका आंसर होगा दोस्तों सेवा क्षेत्र। आइए नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि तृतीयक क्षेत्र का हमारा, हम विकासशील देश हैं, हमारे यहां सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। पूरी दुनिया में सेवा क्षेत्र पर पैसा खर्च हो रहा है, उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जा रहा है। किस क्षेत्र में? सेवा के क्षेत्र में। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जा रहा है। इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों, हम लोग बैच में, बीयू के बैच में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? सही ह्रासमान क्रम का मतलब यहां पर बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में हमको यह बताना है कि किस क्षेत्र का जीडीपी में कितना प्रयोग है, कितना इसका हमारे जीडीपी पर प्रभाव है। तो हमने बताया कि सेवा क्षेत्र सर्वाधिक स्थिति में है और उद्योग दूसरे नंबर पर, कृषि अंतिम स्थिति पर। दोस्तों सर्वाधिक अगर कहा जाए जीडीपी में योगदान तो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र में जीडीपी सर्वाधिक योगदान करता है, मतलब सेवा क्षेत्र हमारी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करती है, जीडीपी की ग्रोथ में। नेक्स्ट,
उसके बाद सेवा के बाद उद्योग, उद्योग के बाद कृषि दोस्तों, कृषि सबसे अंतिम स्थिति में है वर्तमान में। आइए दोस्तों आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम का, कुशल क्षेम का यानी हमारे अपने देश का वो क्या मानता है सबसे सर्वोत्तम सूचकांक, सबसे सर्वोत्तम सूचकांक की बात करें राष्ट्रीय प्रसन्नता की, तो इसका प्रतिपादन भूटान ने किया। इसने कहा कि हमारे यहाँ के लोगों का विकास मतलब हर प्रकार से कैसे हो रहा है, जब हमारे यहाँ के GNH में यानी ग्रीन नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में बढ़ोतरी होगी यानी वृद्धि होगी तब वह मानेंगे। अब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मतलब यहां पर क्या है कि लोगों के कार्य करने की शैली एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भरा और ऐसा कि लोग एक दूसरे से खुश रहें और बहुत ऐसी सारी कंडीशंस जिसकी वजह से हमेशा खुशी बनी रहे, इस चीज का प्रतिपादन भूटान ने किया दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। देखिए दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है अगर कहा जाए तो यह क्या है, योजना आयोग के द्वारा, वर्तमान में योजना आयोग नहीं है दोस्तों, इसकी जगह पे क्या है नीति आयोग है, नीति आयोग है और नीति आयोग है और वित्त मंत्रालय द्वारा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि राष्ट्रीय आयोग किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह मापा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। यह वर्तमान में संगठन ना होकर के दोस्तों कार्यालय हो चुका है यानी ऑफिस हो चुका है, क्यों, क्योंकि यह अब किसी के अंतर्गत काम करता है, वह संस्थान है एमओ यानी अगर हम कहें कि भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित होता है, अनुमानित होता है तो किसके माध्यम से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है क्या कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का विद्यमानता, यानी हम कह दें कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा होते हैं क्योंकि पूंजीपतियों का प्रभुत्व ज्यादा होता है, तो निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा यही दोस्तों, इसका आंसर होगा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का बराबर सहभागिता विद्यमानता, क्लियर है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः क्या संकेत करता है दोस्तों, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः क्या संकेत करता है, इसका मतलब आप अपने से समझिए, जैसे बैंक दर क्या है, जैसे रेपो रेट क्या है और बैंक दर क्या है, मैंने आपको बताया कि रेपो रेट कर्ज देने की प्रक्रिया है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को, किसके माध्यम से, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को रेपो रेट के माध्यम से कर्ज देता है, यही प्रक्रिया बैंक दर के द्वारा भी होता है, लेकिन जो बैंक दर का प्रक्रिया है वह क्या होता है, वह लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अल्पकालिक ऋण रेपो रेट से दिया जाता है, दीर्घकालिक ऋण किसके माध्यम से दोस्तों, दीर्घकालिक ऋण हमारे बैंक दर के माध्यम से, यानी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है कैसे, रेपो रेट के माध्यम से, आरआर और बैंक दर के माध्यम से, बैंक दर, आरआर क्या है, अल्पकालिक है, अल्पकालिक है, अल्पकालिक है और बैंक रेट क्या है, दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक। तो अब इसका मतलब देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः क्या संकेत करता है, ब्याज के बाजार दर के गिरने की संभावना नहीं, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंक को कर्ज नहीं दे रहा नहीं, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है नहीं,
केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अब देखिए बैंक दर क्या है। बैंक दर हमने बताया कि कर्ज देने की प्रक्रिया है किसके माध्यम से, आरबीआई से, किसको, वाणिज्यिक बैंकों को। तो यहां पर देखिए बैंक दर को हमने देखा कि वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देने की प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है, जब वृद्धि कर देगा किसी, अगर मैं आपको पैसा 100 रुपया जो देता था, अब उसको उस पर टैक्स मैं बढ़ा दूं, उस पर टैक्स बढ़ा दूं, पहले वह कम था अब उस पर टैक्स बढ़ा दूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेरी जो नीति है, मेरी जो सोच है वह थोड़ी महंगी हो गई, यानी आरबीआई की सोच क्या हो गई, महंगी हो गई, अब वह कर्ज महंगी मुद्रा नीति पर देता है। और यह क्यों देता है इसको समझिए, जैसे मार्केट में अगर मुद्रा की पूर्ति बहुत अधिक हो जाती है तो वह वाणिज्यिक बैंकों पर जो बैंक दर और रेपो रेट होता है उसमें वृद्धि कर देता है, तो मुद्रा स्फीति की स्थिति कंट्रोल होती है। क्यों, जब वह बैंक आरबीआई जब पैसा बैंक्स को नहीं देगा तो जो बाजार में मुद्रा बहुत बढ़ी हुई होती है, मुद्रा स्फीति की स्थिति में मुद्रा मार्केट में बहुत अधिक हो जाता है, वह स्थिति कमजोर होगी और मुद्रा स्फीति नियंत्रित होगी। इसी कारण से इसको हम कहते हैं कि बैंक दर में जब वृद्धि होगी तो क्या संकेत करता है, संकेत यह करता है कि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का, महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। क्लियर है, आइए देखिए नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, जहां तक लेखा वर्ष की बात की जाए तो इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, लेखा वर्ष की बात की जाए तो यह जुलाई और जून के उसमें होता है। और अगर कहा जाए कि वित्तीय वर्ष क्या है, वित्तीय वर्ष की बात की जाए दोस्तों, तो वित्तीय वर्ष मूल रूप से, वित्तीय वर्ष हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नरसिंहम समिति का संबंध, बहुत आसान क्वेश्चन, वन लाइनर दोस्तों। बैंकिंग सुधार की, बैंकिंग संरचना के सुधार में नरसिंहम समिति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। क्लियर है, आइए नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार का मतलब यहां पर दोस्तों, मूल रूप से मुद्रा प्रसार का मतलब यहां पर मुद्रा स्फीति से है, मुद्रा स्फीति का मतलब यहां पर क्या है, मुद्रा यानी जो मुद्रा का मूल्य कम होगा लेकिन कीमत बढ़ेगी, मुद्रा का मूल्य कम होगा या अतः कीमत बढ़ेगी। अब इसको समझते हैं, मुद्रा के मूल्य और कीमत में क्या संबंध है, इसको देखते हैं, मुद्रा के मूल्य और कीमत में संबंध क्या है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया आपको घर से मिलता है, 100 रुपया आपको घर से मिलता है और आप 25 रुपए किलो के हिसाब से क्या लेके आते हैं, 4 किलो प्याज लेके आते हैं। क्या दोस्तों, 4 किलो प्याज लेके आते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है, यही 100 रुपए आपको मिलता है और क्या करते हैं, और यह 50 रुपए किलो हो जाता है, यही प्याज कल आप लेके आए 25 रुपए किलो और यह आज के डेट में 50 रुपए किलो हो गया। तो यहां पर आप कितना वस्तु और सेवा लिए आ पाएंगे, 2 किलो। यानी मुद्रा वही है, धन वही है, प्रकृति वही है, वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जाने की वजह से जो हमारी कीमत, जो हम मात्रा लेके आते थे, जो 4 किलो लेके आते थे, अब 2 किलो लेके आ रहे हैं। यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, यानी डॉलर के अपेक्षा मुद्रा की कीमत गिर रही होती है, इसी को मुद्रा के मूल्य में गिरावट कहते हैं। यही स्थिति यहां पर कह रहा है क्या, कि मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, यानी कैसे किया जा सकता है, कि कीमत में वृद्धि ऊंची कीमतों के माध्यम से, यहां पे हम कह दें इसको ऊंची कीमत के माध्यम से हम इसको सही तरीके से वर्णित कर सकते हैं। क्लियर है, आइए नेक्स्ट दोस्तों।
किस वर्ष नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह नाबार्ड ऐसी संस्थान है, नाबार्ड ऐसा संस्थान है जो कृषिगत ऋण उपलब्ध कराने के, कृषिगत और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने का सबसे उच्च सर्वोच्च संस्थान है। भारत में अगर बात की जाए तो कृषिगत ऋण और क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का सबसे उच्च संस्थान है, इसको समझते हैं। यह 1982 में इसकी स्थापना होती है, छठी पंचवर्षीय योजना में इसका क्या होता है, इसकी स्थापना होती है छठी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है? आइए देखें नेक्स्ट। एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका, आपको बता दे दोस्तों, आरबीआई दो रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोटों को आरबीआई छापती है। लेकिन 1 रुपए की बात आती है तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है और वित्त मंत्रालय के सचिव का इस पर सिग्नेचर होता है, यानी इसके छपाई का कार्य यह देखता है और इस पर वित्त सचिव का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सूची में सभी प्रकार के शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्थान है। मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च संस्थान क्या नाबार्ड गांव और ग्रामीण और क्या कैसी क्रियाओं के लिए, ग्रामीण एवं कृषिगत क्रियाओं के लिए सर्वोच्च संस्थान है। किस लिए? ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह सर्वोच्च संस्थान है। कौन? नाबार्ड दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट 29 मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो इसकी बात करें हम तो यह थोक मूल्य सूचकांक। देखिए दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें होता क्या है, इसको आइए देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो यह क्या होता है कि यहां पे वर्तमान में 697 वस्तुओं को रखा जाता है, 697 वस्तुओं को रखा जाता है और तब काउंट किया जाता है कि भारत में मुद्रा स्फीति की दर क्या है। अब जैसे 2-4 चीजों में क्या हो जाए, मुद्रा में उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो हम नहीं कह सकते कि उसमें क्या हुआ है, मुद्रास्फीति हुई है, देश में मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। इसमें कुछ अनुमान लगाया जाता है, 697 वस्तुओं का कुछ इसमें क्राइटेरिया तय होता है कि कुछ इतने वस्तुओं में अगर वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि होगी तब क्या होगा, मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। क्लियर है? यही है, इसका आंसर क्या होगा, मुद्रास्फीति की दरों में किस सूचकांक पर आधारित होती है, तो इसका क्या है आंसर, क्या है, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना वर्तमान 2011-12 से पहले आधार वर्ष था। वर्तमान आधार वर्ष भारत का 2011-12, लेकिन इससे पहले कौन सा आधार वर्ष था भारत का, तो आपको बता दें 2004-5 इसके पहले भारत का आधार वर्ष था। आधार वर्ष क्या होता है आपको बताएं, आधार वर्ष मूल रूप से आधार वर्ष
ऐसा वर्ष होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, यानी बहुत स्थिर कीमत बढ़ता है, यानी किसी वस्तु और सेवा की कीमत अचानक ना बढ़ा होता है ना घटा होता, मतलब कुछ सालों के अंतर्गत यह देखा जाता है कि किस वर्ष में सबसे कम वस्तुओं और सेवाओं का फ्लक्चुएशन हुआ है, यानी बढ़ोतरी और घटोतरी कैसे हुआ है, इस चीज को देखा जाता है। क्लियर है? क्या देखा जाता है कि किस वर्ष सबसे कम क्या हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं के कीमत में। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति तय करता है। मौद्रिक नीति मैंने बताया आरबीआई तय करता है दोस्तों। मौद्रिक नीति की बात की जाए तो आरबीआई तय करता है इसके बारे में, और वित्त मंत्रालय क्या राजकोषीय नीति को तय करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। अब देखिए, सहकारी बैंक मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। सहकारी बैंक मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सहकारी बैंक की बात की जाए तो यह तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है राज्य स्तर पर, एक होता है केंद्र स्तर पर या जिला स्तर पर। इसी केंद्र स्तर को ही जिला स्तर कहा जाता है, यहां पर जिला स्तर पर। और तीसरा होता है ग्रामीण स्तर पर। देखिए तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र यह जनपद स्तर पर होता है दोस्तों, यह जनपद स्तर पर होता है। क्लियर है? सहकारी बैंक तीन प्रकार होते हैं मूल, राज्य, केंद्र और ग्रामीण स्तर पर। नेक्स्ट क्या है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य है। देखिए एलडीबी भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक का कौन सा कार्य सत्य है। देखिए दोस्तों, एलडीबी मूल रूप से क्या करता है कि दीर्घकालीन ऋण देने की प्रक्रिया को अपनाता है। कौन? भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो दोस्तों, जितने हमारे प्लास्टिक कार्ड हो गए, जैसे वर्तमान में हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तमाम ऐसे कार्ड यूज करते हैं जिससे हम पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी। जिन कार्डों से हम पैसे का हस्तांतरण करते हैं, इधर से उधर लेने की प्रक्रिया, यानी लेने और देने की प्रक्रिया करते हैं, वह प्लास्टिक मनी कहलाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। इसको हमने पीछे डिस्कस किया कि छठी पंचवर्षीय योजना में सन 1982 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट, स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य मुद्रा का उपयोग किस प्रकार आर्थिक प्रणाली की विशेषता है। देखिए क्या कह रहा है कि स्थिरता के साथ विकास की अगर बात की जाए तो यह हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात है। यहां पर हम दोनों चीजों पर, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो हम चीजें करते हैं, अपने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वह पूरी तरह से नियमित होता है। सरकार कुछ चीजों को तय करती है, कुछ चीज पूंजीपति तय करते हैं, तो यहां पर स्थिरता के साथ विकास होता है। तो यह क्या है, इसका आंसर क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक का क्षेत्र अधिक भार दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र को, यहां पर क्या है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों, विनिर्मित उत्पाद को सबसे ज्यादा डब्ल्यूपीआई में रखा जाता है। डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत पैकिंग आइटम
पैकिंग आइटम को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी जो निर्मित होकर सेकेंडरी रूप में जो भी वस्तुएं और सेवाएं रहती हैं उसको काउंट किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक में। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं होती हैं, सेवाएं नहीं होती हैं। दिमाग में डाल लीजिए कि थोक मूल्य सूचकांक में जो इंडेक्स होता है उससे सिर्फ वस्तुओं के मूल्य को काउंट किया जाता है, ना कि सेवाओं का। क्लियर है? देखिए WPI के अंतर्गत विनिर्मित उत्पाद को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड, अगर सबसे अच्छा मापदंड की बात की जाती है, सबसे अच्छा मापदंड की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय को समृद्धि का सबसे उत्तम मानक, सबसे उत्तम तरीका माना जाता है, सबसे विशिष्ट तरीका माना जाता है। क्या? कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय है, आयात निर्यात से इसका कोई संबंध नहीं। क्लियर है? आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? हमने बात किया कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी को ही हमारा राष्ट्रीय आय। अगर इसी को शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाए, शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो यहां पर हम मार्केट प्राइस कर लेंगे और उसको लिख लेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी NNP एड फैक्टर कॉस्ट बराबर यही सेम प्रक्रिया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट विचार करें। देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को GDP में शामिल किया जाता है। विचार करें कि यार इसमें से कौन सही कौन गलत है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय GDP, हमने कहा GDP में क्या किया जाता है? भारतीय लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा भारतीय सीमा के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वह किसके अंतर्गत? GDP के अंतर्गत काउंट किया जाता है। यहां पर तब विदेशों की बात हो गई तो यह चीज गलत है दोस्तों, यही गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को GNP में शामिल नहीं किया जाता, यह गलत है, यह गलत है, यह भी गलत है। विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को GNP में शामिल किया जाता है, यह सही है। नहीं सॉरी, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को GNP में शामिल किया जाता नहीं दोस्तों, सिर्फ भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारतीय नागरिकों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का कहीं भी उत्पादन किया जाए वह क्या होगा? इसमें काउंट किया जाएगा GNP में। भारतीय नागरिकों के द्वारा देश में अर्जित आय को GNP में शामिल किया जाता है, यही आंसर है दोस्तों, यही आंसर है। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। इसका आंसर होगा केवल चार, केवल चार। आइए दोस्तों नेक्स्ट, आइए दोस्तों नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास को घटाकर। राष्ट्रीय आय का मतलब पहले ही आप जान लीजिए। राष्ट्रीय आय की बात करें तो हमने बात किया था, राष्ट्रीय आय की बात करी तो हमने बात किया था कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब इसको देखिए दोस्तों, यह बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत इसको करिए। क्या है कि यह कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निरूपित होता है, और राष्ट्रीय आय हम इसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय एक्चुअली हम लोग कहते हैं NNP एड फैक्टर कॉस्ट को, जो NNP एड मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट।
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यही राष्ट्रीय आय है। अब इसमें खोजिए किसमें, किस ऑप्शन में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास घटाकर, यानी यह कह रहा है कि जीएनपी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर सारी की सारी चीजें नहीं है, यानी मूल्य ह्रास घटाने पर भी, ये प्रक्रिया करने पर हमको राष्ट्रीय आय नहीं प्राप्त हो रहा है। अब प्राप्त कैसे होगा, देखिए प्राप्त कैसे होगा दोस्तों, यहां पर हम देखें बाजार, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष जोड़कर, यानी इसने क्या कहा कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यही तो बोल रहा है कि माइनस मूल्य ह्रास कर दे, माइनस सॉरी मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष जोड़ दे, प्लस मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं दोस्तों, यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय आय का निरूपण किसके माध्यम से होता है, आगे देखते हैं। बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह क्या है, जीएनपी, जीएनपी में से मूल्य ह्रास जब घटाते हैं, पहले आप जानिए जीएनपी में से जब मूल्य ह्रास घटाते हैं, मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, एनएनपी, एनएनपी। हम जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमें शुद्ध निवल उत्पाद, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी यह मार्केट प्राइस पर है, यानी अभी यह वर्तमान में मार्केट प्राइस पर है, तो मार्केट प्राइस से घटाने के लिए हमने बताया था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, अब यह जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस है उसमें से अप्रत्यक्ष करों को, अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक्चुअली यही है दोस्तों, इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। क्लियर है, देखिए दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय से होता है, और इसका प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्णा जी ने किया, प्रोफेसर राजकृष्णा जी ने किया, और इन्होंने हिंदू वृद्धि दर नाम यह व्यंग के रूप में बोला, व्यंग के रूप में बोला। क्यों, क्योंकि 1950 से भारत की आजादी के बाद 1950 से 1980 तक के बीच में भारत की जीडीपी ग्रोथ मात्र 3.5% थी, मात्र 3.5% होने की वजह से क्या हुआ कि यह इसको हिंदू वृद्धि दर व्यंग के रूप में इन्होंने कहा, किसने, प्रोफेसर राजकृष्णा जी ने। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, इसको हमने पीछे भी बताया था दोस्तों, ये दो बार हो गया क्वेश्चन लगता है। राष्ट्रीय आय का मापन किसके माध्यम से, सीएसओ के माध्यम से, और यह किसके अंतर्गत आता है, मोस्पी, इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्लियर है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 44 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से प्रभाव क्या पड़ता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से प्रभाव क्या पड़ता है। यह क्वेश्चन एक बार और है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर दूसरे एक प्रकृति में है, क्या पड़ता है, सरकार के ऋण देने में कमी, यहां पर देना होगा सर, मिस प्रिंट है दोस्तों, ऋण देने में कमी आएगी, दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी, तीसरा क्या है, देश में अधिक प्रत्यक्ष निवेश आता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो में अगर वृद्धि कर दे, यानी किसी बैंक के पास, जो हमने कहा कि 500 करोड़ का अगर किसी के पास, किसी बैंक की क्षमता है, उसमें से 4% वर्तमान दर है, अगर इसमें वृद्धि हो जाए, जैसे 10% हो जाए, चाहे आगे जितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो इस 500 करोड़ का पैसा आरबीआई के पास चला जाता है,
आरबीआई के पास चले जाने की वजह से बैंक के पास मुद्रा की कमी होगी, बैंक के पास मुद्रा की कमी होगी। और सीआरआर होता यह है कि आरबीआई यह कहती है कि आपके पास जितना धन है उसमें से कुछ परसेंटेज हमारे पास रहेगा, वही सीआरआर होता है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और यह नगद की अवस्था में रिजर्व बैंक अपने पास रखता है। तो स्थिति क्या होगी, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी दोस्तों, क्यों, जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वह मार्केट में पैसा भेज नहीं पाएगा और मौद्रिक तरलता मार्केट में जो बढ़ी हुई होगी वह कम होगी। क्लियर है, यही चीज तो था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है, कौन राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। इसका आंसर वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति आरबीआई तय करती है, राजकोषीय नीति सरकार तय करती है, यानी वित्त मंत्रालय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने बात किया था, इसमें निवल विदेशी निवेश, जैसे विदेशों से आए, निजी निवेश, अपना आय और नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय, यानी हमारे द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा क्या पर कैपिटा इनकम है, इसको बी ऐड, तीनों का तीनों ऐड किया जाता है, ये चीज नहीं ऐड की जाती, वो है डी। डी ऑप्शन यहां पर सही है, यानी पहले क्वेश्चन की प्रकृति को समझा करिए दोस्तों, ये जो नहीं की स्थिति है इसको आप पहले पकड़ा करिए और इसको गोला कर दिया करिए, ताकि आपको परीक्षा भवन में ये चीज आइडेंटिफाई करने में टाइम ना लगे कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो आपको बताए दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए निवल विदेशी निवेश, निवल विदेशी निवेश की बात की जाए तो इसको काउंट किया जाता है, निजी निवेश जो हमारा प्राइवेट वो होता है उसको भी काउंट किया जाता है, नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को भी काउंट किया जाता है। यह चीज नहीं काउंट किया जाता दोस्तों, क्या, सरकार द्वारा वस्तुओं और खरीद, वस्तुओं का खरीद फरोख्त, किसके अंतर्गत, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी। नेक्स्ट क्या है, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करा था, मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यह भारत के गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं, बिमल जलान भी ये 2003 के आसपास थे, और सी रंगराजन भी थे, और राजा जी चलैया जी इसमें आरबीआई के गवर्नर नहीं थे, आरबीआई के गवर्नर यह नहीं थे। क्लियर है, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, विनिमय के दर में सुधार होता है, उपयुक्त सभी। देखिए अब क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता, पहली बात तो मुद्रास्फीति क्या है कि मुद्रास्फीति में, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती हैं, तो यहां पे क्या है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, इसका यही आंसर होगा, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। आइए अंतिम दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, 50, निम्न में से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने की विधि नहीं है, कौन कौन सा, मांग पर नियंत्रण, मांग पूर्ति पर नियंत्रण, और ब्याज दर में कमी करना, वस्तुओं की राशनिंग। देखिए अभी इन चारों चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति को दर्शाता है, लगातार वृद्धि होना। इसलिए क्योंकि आरबीआई यह मानक तय की है कि 4 ± 2 के अकॉर्डिंग अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ रही है, 4 ± 2 के हिसाब से अनुसार अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ रही है, तो वह
क्या होता है वह मुद्रा स्फीति में नहीं काउंट किया जाता, वह सामान्य स्तर में काउंट किया जाता है। लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगातार तेजी से बढ़ती है तो वह मुद्रा स्फीति कही जाती है। क्लियर है? तो इसकी बात करें, मांग पर नियंत्रण, मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कैसे नहीं किया जा सकता। मांग पर नियंत्रण से किया जाता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करा था। मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण से भी किया जाता है। ब्याज दर में कमी जब कर देते हैं हम लोग, यही आंसर होगा इसका, ब्याज दर में जब हम कमी कर देते हैं तो लोग और ब्याज लेंगे और पैसा मार्केट में उधार लेंगे, बैंक से उधार लेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुद्रा स्फीति इससे रुकेगी नहीं, इससे और बढ़ेगी। तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। और ये और इन तीनों चीजों से क्या होता है, मुद्रा स्फीति का नियंत्रण होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।